मैं उनको एक दफा फिर अपनी पार्टी और आपकी तरफ से तहे दिल मुबारकबाद करता हूँ। ओके जी सर। फेस इस तरफ करो। असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द हो, और हमने क्योंकि पहले ही कहा था कि आपको स्टेट हुड जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए, और उसके साथ ही क्योंकि नए लोग नए चेहरे जो सामने आ रहे हैं, नए जो साथी आ रहे हैं, खास करके मैं शुक्रगुजार हूँ छदा जी का और उनके साथी जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, भरोसा किया। तो आने वाले दिनों में इतना ज़रूर हम मानेंगे कि कुपवारा जो आपका रीजन है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमारे अच्छे कैंडिडेट सामने आएंगे और पार्टी यहाँ भी इलेक्शन लड़ेगी। मरकजी मनीष दौरा कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप अभी? देखिए, अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें जो है आपकी इम्प्रूव हो, और कम से कम उनको भी आटे दाल का जो भाव पता चले, क्योंकि लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। हमने बार बार कहा कि जो आपकी जो इस बार क्योंकि आपके जो फंड्स आए बड़े लेट आए रोड्स के भी, ने कहा वो भी नितिन गडकरी जी ने तब पैसे भेजे जब 15 अगस्त के बाद जब सीज़न हमारा ऑफ होता है, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर काम होता है और 6 महीने तो सर्दी में बिल्कुल काम नहीं होता। अब बड़ी तकलीफ ये आती है कि जब भी नया गवर्नर आता है तो साल डेढ़ साल के बाद ही उसको चेंज किया जाता है। पिछले 3 सालों में 3 गवर्नर चेंज हुए, क्योंकि कोई एक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर बैठे करे तो समझ आए उसको, उससे पहले ही उनको मूव किया जाता है। तो अच्छी बात है कि चीज़ें डेवलप हो, तरक्की हो, आपका टूरिज्म सेक्टर बढ़े, इंडस्ट्रीज आपका बढ़े। अभी कल ही स्टील मिनिस्टर भी आ रहे हैं 7 तारीख को, उम्मीद तो है कुछ इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं यहाँ पर। तो लेकिन प्रैक्टिकली जब सामने आएगा कुछ चीज़ें तो तभी इसको जी सब हम यहाँ पे जाना पार्टनर है भाजपा के, लेकिन तब भी वाहिद हमारी एक पार्टी थी जिन्होंने उस वक्त भी जो है वॉकआउट किया था। हमने उस वक्त भी 370 आर्टिकल को रिमूव करना न जम्मू कश्मीर के लिए ठीक है, न देश के लिए ठीक है, क्योंकि ये देश जम्मू कश्मीर के हक में भी नहीं है और देश के लोगों के हक में भी नहीं है। अब क्योंकि जो चीज़ गई उसको वापस अब लाना जो है बड़ा डिफिकल्ट, और मुझे हमें नहीं लग रहा क्योंकि जो भी होगा पार्लियामेंट से ही होगा, और पार्लियामेंट के अंदर इतनी मेजॉरिटी हासिल करना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। अब जो एक ही बात है ऑन द फ्लोर जो देश के गृह मंत्री ने और प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि स्टेट फूड वापस मिले, इसको नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया था। वॉकआउट भी के बावजूद हमने ये कहा था कि 370 का तोड़ना और 35A का। डॉक्टर साहिबा आपकी पार्टी इंसान जिंदगी भर